आंख में इन्फेक्शन हो गया कितना भाई, इन्होंने नहीं लेना कुछ भी, ये नहीं लेंगे। पर बारिशें जरूर होंगी, ये देखो। और पता लगा कि ये कच्चा रह गया है, तो इसको स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और मेरी देखो, शायद आंख में इन्फेक्शन हो गया कितना, फूल गई यार बड़ी ज़्यादा ये। ओहो, तो बड़ी बुरी लग रही है। तो अभी आज व्रत है मेरा, तो सुबह का सिस्टम कर दिया हमने अभी, काट कूट के अपना जुगाड़। यार ये आंख तो बड़ी बुरी लग रही है, कैसे जाऊंगा मैं, मेरे को चश्मा लगाना पड़ेगा, तेन काला चश्मा। और फ्लाइटें चलना भी शुरू हो गई हैं, शुरू हो गया, बंद कहाँ हुई थी। पर मौसम देखो अच्छा हो गया है, धूप निकल आई है। मतलब 2 दिन ही ठंड हुई क्योंकि तब धुंध बढ़ रही थी, अब अच्छा है मौसम। और अब गार्डन को पानी दे देते हैं। ये हमारे मेन जो हमने धनिया लगाया था वो बड़ा कम कम लगा है, बाकी ये पालक शालक और वो भी निकल आया, पर इससे आगे बढ़ नहीं रहा है, तो अब इसका देखते हैं क्या होता है यार। अब जो मेन लगाया था धनिया वो तो आ ही नहीं रहा। मेरा भाई आ चुका है इससे जो मंगवाया था। भाई यार भाई, वाह भाई, मेरा पाप, भाई भाई पाप, मेरा भाई है ये। जो पाप लगेंगे ना, पाप क्या भाई, इसने सो उठना ही है, मैंने उठा दिया इसको तो चल। अच्छा अंडे ले गए साथ में, तू भाई नहीं हो सकता मेरा, तो मेरा भाई नहीं हो सकता। अंडे लगे तो चलो अच्छा है यार, मैं शेक बना लेता हूँ, टाइम बड़ा हो गया। और ऐसे डेली खाना बनाता हूँ ना तो लेट नहीं होता हूँ, आज खाना नहीं बनाया तो आज ज़्यादा लेट हुआ यार, क्या है हद ही है। आप सुनिए इसके खराटे, बंद हो गया और मैं चलता हूँ, मिलते हैं आपको शाम को। नौकरी से वापस आने पे एक चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती है, वो है आज देखो सिस्टम यार। मतलब आज तो ऐसा लग रहा है कि कोई बर्तन ही नहीं है यार, देखो सुबह के ऐसे ही पड़े हैं देखो। क्या बना रहा यार, मेरा व्रत है और मेरे समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं यार। आज सोच रहा हूँ कि अब वो आटे का हलवा, और यार आटा फिर करना पड़ेगा और 2 चपातियाँ बनानी पड़ेंगी। कितनी दुविधा है पता, लड़कों की लाइफ में कितनी दुविधा है। हमारी ज़िंदगी में कुछ होना हो ना, पर बारिशें ज़रूर होंगी, ये देखो। शादियों में बारिशें जरूर होंगी, मैंने बोल दिया आपको, लिखा के ले लो। मतलब यहाँ कुछ भी है, कुछ कुछ भी आएगा, कटोरा शटोरा भाई, क्या करें गरीब लोग हैं, कराठी पतीले कुकर किसी भी चीज में बंदे खा रहे हैं। लिख के दे दे, लिख के दे दे। मंदिर पहुंच गए हैं, जय बाबा बालकनाथ, सभी भगवान है यहाँ, जय हनुमान। आज बनने लगा है, पिछली बार बना था बेसन का हलवा, आज बनाने लगा हूँ आटे का। तो आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, तो अब इसमें डालेंगे घी, तो बताऊँगी आपको कि कैसा क्या है। घी डालने के बाद देखिए क्या रंगत आई है, तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा बन गया है। चलो कोई ना कोई खा ही लेगा। पानी डालने के बाद ये फाइनल रिजल्ट है, इसमें थोड़ी सी मैंने शक्कर मिलाई थी और पानी, और इसके बाद ये देखो चिपक गया है आसपास। और अब बनाऊंगा चपाती, ये मैंने आटा मंदिर जाने से पहले ही कर दिया था, तो ये बन जाए ना, देखते हैं। आज का शाही खाना चपाती और आटे का हलवा, खाइए और सो जाइए। तूने खाना है ब्रो, तेरे लिए रखा है थोड़ा थोड़ा सा है, मतलब अगर खाना होगा तूने तो खा ले। एक वाक्या हो गया हमारे साथ, अभी एक ही निवाला खाया था और पता लगा कि ये कच्चा रह गया है, तो इसको दोबारा से पकाने लगे, क्योंकि कुछ लोग गालियां निकाल रहे थे उस वजह से वो। चलो यार क्या करना भाई, इनकी हर चीज़ कोई नहीं, गालियां इनकी, भगवान अक्ल दे इनको। थ्री बिटू का चौंक। और ये हर बार ना मेरे को फ्राइडे को लेके आते, क्योंकि इनको पता होता है
कि मैंने खाना नहीं कुछ आज का, देखो डिनर ये बाहर करेंगे। ये स्कीम होती है भाई, स्कीम नहीं है, कोई नहीं, आउट ऑफ बजट। तू आ, तुम्हारी स्कीम में लगाता हूँ मैं, कुत्तों को करी में लगाता हूँ। रुको यार, इन लोगों के ना ड्रामे नहीं खत्म हो रहे हैं। देखो ये देखो, बंदा चार बार आ गया। हाँ जी भाई, भाई इन्होंने नहीं लेना कुछ भी, ये नहीं लेंगे कुछ भी। सोच रहे हैं भाई यार, सोच रहे हैं। और ये देखो, इन लोगों ने ये दूसरा ढाबा बदल लिया है। खाने में यहाँ भी कुछ नहीं है, देखना मैं बोल रहा हूँ आपको। ड्राइवर गाड़ी निकालो। ड्राइवर महंगा था। आफ्टर गेड़ी रूट टू 3B2 हमें अपने ही पॉइंट पे मिल गई है। देखो मक्की की रोटी पर क्या, तूने क्या खुल गए हमारे भाग, मट्टी की रोटी है सरसों सा। ओ, खुल गए हमारे भाग। नहीं, हम वो बेकार लोगों को नहीं सुनते हैं ना। और देखो फिर वही कोइंसिडेंस, आज ये भी मिल गया हमें। और मेरा व्रत था फिर। हे भगवान, क्यों करता है मेरे साथ ऐसा। शाही रोटी, मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग ते नाल चटनी। हे भगवान, आज क्योंकि इस किचन की हालत कुछ इस तरह की है तो आज खाना नहीं बना, और अंत में इन लोगों को खाना बाहर खाना पड़ा। अब मेरे को ये टेंशन है कि कल सुबह मैं क्या बनाऊंगा, क्योंकि कल मेरे को जाना पड़ेगा, अपन को जाना पड़ेगा। सुबह देखते हैं उसके बाद। ऐसे आटा रखा है मैंने, देखो थोड़ा बच गया है, सुबह तक सही रहेगा मेरे लिए। दो चपाती बन जाएगी और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बना लेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि प्याज भी नहीं है, बस टमाटर ही हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको कल सुबह। सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। जय श्री राम।